राम राम वैष्णवी भाई होना है। तो मैं शुभम कंबोज और भाई आज की वीडियो के सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज की वीडियो है मेरी कि अगर इधर स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलेगी, और अगर आप इधर आकर कपल आ रहे हो और इधर बेबी बर्थ होता है या बच्चा होता है इधर, तो उसको कैसे मिलेगी पीआर। तो ये दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च की इस बारे में, मतलब वैसे ही जब मैं इंडिया में था, क्योंकि मेरे साथ सेम कंडीशन थी, तो ऐसी कोई खास नॉलेज मिली नहीं वहाँ से कि पीआर कैसे मिलेगी। मैं भी आपके जैसे भाई था, मैं भी इंडिया में आकर यही चीज़ें सर्च करता था, तो मुझे पता है भाई। तो मैं इसलिए ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा जो रियलिटी है। तो रियलिटी यही है भाई मेरे भाई कि पहली बात तो स्टूडेंट जो आ रहे हैं, तो ज़्यादा मैं एयर फिरा के बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा। तो रियलिटी यही है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट इधर आ रहे हैं, स्टूडेंट किस लिए आ रहे हैं? स्टूडेंट आ रहे हैं स्टडी के लिए, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कितने साल बाद इसको पीआर कर दिया जाएगा। हाँ, स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा कंप्लीट होने के बाद उसको वर्क वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़ा भी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, अगर कोई कंपनी उसको काम देगी तो उसको वर्क वीज़ा मिलेगा, अगर कंपनी ने किसी ने काम नहीं दिया तो उसको अपने वही क्या स्टूडेंट वीज़ा 5 साल का होता है, उसमें उसने अपनी जो भी कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आ जाती है, कंपार्टमेंट मतलब एक आधे पेपर में फैल हो जाता है और उसको दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसी चक्कर में उसकी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होती और उसको वर्क परमिट नहीं मिलता और किसी कोई कंपनी उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। वैसे तो इधर बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं, सच्चाई बताऊँ, कभी कभी कोई कंपनी स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो उस चीज़ की चीज़ छोड़ दीजिए कि आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें क्या होता है कि इधर इधर एजेंट बैठे हुए हैं, एजेंट मतलब जो इंडिया में होता है काम दिलाने वाले एजेंट बैठे हुए हैं, आपको काम दिलाएंगे, लेकिन उनका कुछ परसेंटेज होता है कि इतने परसेंट लूँगा, या ये एजेंट का पता ही आपको, उनकी कुछ अपनी कमीशन होती है तो कमीशन लेंगे और आपको काम दिला देंगे आसानी से, ठीक है। वो तो बात होगी अलग, आप यानी कि काम दिलाने का मेरा पर्पस ही है काम दिलाने के बारे में बताने, क्योंकि अगर जब तक आपको काम नहीं मिलेगा तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा मेरे भाई। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होगी और आपको काम मिल जाएगा तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ऐसे ही बार बार आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट के लिए, आप जितना समय चाहे यहाँ रह सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी इधर के रहने की। तो क्योंकि मेरा एक खुद एक रिलेटिव है, रिलेटिव मेरा क्या, मेरी वाइफ का रिलेटिव है इधर, वो भी वर्क परमिट पे मतलब 15 साल हो गए इस बंदे को यहाँ पे, लेकिन उसको अब तक पीआर कई बार उसने अप्लाई कर दिया लेकिन अब तक पीआर नहीं मिली, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स के लिए पीआर बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वे है पीआर लेने के लिए। या तो आप इधर की कोई पीआर से शादी कर लो, ये सभी के लिए आसान है, किसी भी वे से आ रहे हो आप इधर पीआर से शादी कर लो तो आपको पीआर मिल जाती है वो, ठीक है, उसका थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, तो पीआर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर अगर चलो ये बात तो ही स्टूडेंट की, स्टूडेंट को पीआर का ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई इतने साल रहोगे तो आपको पीआर दे देंगे, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने किस्मत भी है भाई, देखो 14-15 साल से पहले कोई पीआर होता देखा नहीं है इधर। उस बंदे को जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टूडेंट था जो मेरी वाइफ का रिलेटिव है, उस बंदे को बच्चे भी इधर ही हुए हैं, बेबी बर्थ भी उसके फैमिली भी मतलब इधर ही हुए हैं, तो आप सोच सकते हो भाई बेबी बर्थ की पे ही सीधा आ गया हमें। तो पीआर स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है मेरे भाई, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। तो आगे है, अगर आपके इधर बेबी बर्थ होता है, तो बेबी बर्थ होता है तो भाई मेरा खुद का यही केस है, मेरा इधर बेबी मेरे बच्चा इधर ही हुआ है और उस भाई का बच्चा इधर ही हुआ जिसको 14-15 साल हो गए, इधर स्टडी पे आया था, अब वर्क पे है, वर्क ही कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी के थ्रू ही उसका वर्क परमिट अप्लाई हो रहा है बार बार, और उसको भी बच्चे इधर ही हुए थे। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे इधर होंगे और आपको पीआर आसानी से 1-2 साल में मिल जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इधर इधर की कंट्री है अमेरिका है मेरे भाई, ये पीआर नहीं देती। या तो आपको असाइलम केस लगवाना पड़ेगा, जो इधर से मेक्सिको के माध्यम से 2 नंबर में इलीगल तरीके से इधर आते हैं, हमें असाइलम का केस लगवा लेते हैं, शरणार्थी का केस लगवा लेते हैं। इसीलिए आप स्टूडेंट हो, आप भी लगवा सकते हो भाई शरणार्थी की, हमें इंडिया में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अगर हम इंडिया में जाएंगे तो हमारी जान को खतरा है, ये वो कुछ भी केस बना सकते हो आप, बोल सकते हो कि मैं इस कास्ट से हूँ या मैं इस धर्म से हूँ इसलिए मुझे
प्रताड़ित कर रहे हैं वहाँ पर, इसलिए मैं वहाँ दोबारा नहीं जा सकता, कुछ भी ऐसा केस बनाकर सभी ऐसे ही करते हैं इधर, मोस्टली इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी इधर आके यही चीज़ करते हैं। मैक्सिको के माध्यम से स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स भी इस तरह अप्लाई कर सकते हो, किसी वकील से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वही वो आपका आसानी से अप्लाई कर देगा, ठीक है, अप्लाई कर देगा। तो PR में उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वीज़ा के माध्यम से आए हो तो आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप इधर रह सकते हो, जब चाहे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, जब चाहे तक रह सकते हो आप, अगर आपका असाइलम ग्रांटेड नहीं हुआ तो दोबारा अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे चक्कर हैं, ठीक है। अगर बच्चे की बात आती है, अगर बच्चा आपका इधर होता है तो भाई PR का सिर्फ एक ही रास्ता है, तब जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब वो अपने पेरेंट्स को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट, आपको वर्क परमिट मिल रहा है तो आप वर्क परमिट में रहो, क्या दिक्कत है मेरे भाई। लेकिन आपको इधर के जो जो लोकल व्यक्ति को जो फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी बहुत मिलती है भाई इधर लोकल व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा कुछ कार्ड मिल जाता है, EBT कार्ड मिल जाता है, जिसपे $700-800 आपको हर महीने के मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें फैसिलिटी है इधर भाई, पेंशन भी होती है बुजुर्गों की इधर, बहुत ज़्यादा लाखों में जाएंगी, आपको पता ही है इंडिया के अकॉर्डिंग तो लाख में जाएगी, लेकिन भाई तो ये फैसिलिटी होती है इधर की भाई। तो मेरे भाई ये चीज़ें सोचनी बंद कर दीजिए कि आप इधर आके बेबी बर्थ करोगे तो आप आसानी से PR हो जाओगे, नहीं मेरे भाई, जब यहाँ का PR बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब जाकर वो अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि तब उसकी समझ, इनका मानना ये है कि तब वो समझदार हो जाता है और वो तब समझने के लायक हो जाता है कि PR दिलवानी है या नहीं दिलवानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई, फिर भी स्कीमें तो बहुत होती हैं, देखो भाई स्कीमें तो बहुत होती है, शादी कर लेना, असाइलम लगा लेना, बहुत सारी स्कीमें हैं इधर, बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत ज़्यादा इधर कॉन्ट्रैक्ट बेस मैरिज भी होती है, पर उसमें ज़्यादा खर्चा ले लेते हैं, $50,000-60,000 ले लेती है लड़कियाँ, इधर पैसे की जरूरत होती है इनको सब, देखो यहाँ इतना पैसा है फिर भी इनको पैसे की जरूरत होती है इधर को, तो भाई वे पैसे ले लेती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कर लेती है 1-2 साल के लिए, और इतने में आप PR हो जाते हो और फिर वो तलाक, डिवोर्स। तो बहुत बहुत सारे रास्ते हैं भाई, आप आओ इधर, आपको सभी रास्ते मिल जाएंगे, एक बार आप इस कंट्री में एंट्री तो कर जाओ, सब रास्ते खुल जाते हैं। तो ज़्यादा सोचना मत कि मैंने ये बोला, बहुत रास्ते हैं इधर PR होने के, वैसे अगर आप लीगल तरीके से चलोगे तो, इसलिए मैंने पिछली वीडियो मतलब पीछे दो बताए हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इधर की लीगल तरीके से क्या सिस्टम है, और अगर आप दिमाग लगाओगे तो रास्ते ही रास्ते हैं भाई। जय श्री राम। वीडियो को अगर थोड़ी बहुत समझ आई होगी भाई तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं।